जैसे जैसे लड़की के होंठ आप साफ कर लोगे, देखो आपको भी कितना एक्सपीरियंस हो रहा है लड़कियों के होंठ साफ करने में, जब आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये देखो चम्मच को यहाँ पर टच करो और इसके अंदर डाल दो। ये देखो चम्मच अंदर चला गया। अब चम्मच में जो चीनी उठ के आई है, ये देखो ये चीनी अमीरों वाली चीनी मुझे लग रही है, क्योंकि ये ब्राउन शुगर है, सफेद रंग की तो नहीं है जो हम गरीब लोग खाते हैं। क्या आप YouTube से बिना फेस दिखाए, बिना वॉइस ओवर किए लाखों रुपए अर्न करना चाहते हो? देखो YouTube से लाख दो लाख रुपए महीने का अर्न करना बहुत ही आसान हो जाता है जब आपका कंटेंट ऐसा हो कि जब लोग YouTube पे आए और YouTube स्क्रॉल करते करते ऐसा कंटेंट उनको दिखे कि वो रुक जाए और देखने लगे 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री, मतलब वो किसी भी कंट्री से हो लेकिन आपका कंटेंट वो रुक कर देखे, तो ऐसे केस में क्या होता है कि व्यूज की बारिश हो जाती है और हर कंट्री से व्यूज आने लगते हैं। आज हम ऐसी ही एक YouTube वीडियो कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। ना आपको चेहरा दिखाना, ना आपको वॉइस ओवर करना है, बस छोटा सा काम करना है और उसको करने के बाद आप डेली 3 से 4 वीडियो आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मोबाइल का यूज करके बना सकते हो और YouTube पे डाल सकते हो। जी हाँ, इस कैटेगरी का नाम है ASMR, ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स। इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक तो जो विजुअल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होता है और उसके बाद ऑडियो क्वालिटी जो आपको सुनाई दे रही होती है। ऐसा कंटेंट जो है वो लोग हेडफोन लगा के सुनना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए यहाँ पे साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। YouTube पे जब आप जाते हो और हॉस्पिटल ASMR या मेकअप ब्यूटी ASMR लिखते हो तो ऐसे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे जहां मिलियंस में व्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ये वाली वीडियो देख लो 9.3 मिलियन व्यूज, ये वाली देख लो 11 मिलियन व्यूज। ये देखो ऐसा ही एक चैनल है जिनके वीडियोस पर हर महीने 41 मिलियन व्यूज आते हैं और ये लोग महीने का कम से कम $7,000 कमाते हैं। ऐसा ही कंटेंट मैं आपको आज सिखाऊंगा मोबाइल का यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप बना सकते हो, इसीलिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं, या सीधा मुझसे बात करना है तो इंस्टाग्राम पे ये मेरी आईडी है, यहां पे मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें अपने फोन पे काइनमास्टर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, या फिर ऐसा ही कोई फ्री एप्लीकेशन जिससे कि आप वीडियो एडिटिंग कर पाओ उसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। इसके बाद आपको प्ले स्टोर पे जाना है। ये देखिए अभी प्ले स्टोर पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आपको ऊपर लिखना है ASMR हॉस्पिटल और इसके बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे गेम्स और ऐप्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो आपको पहला ऐप दिख रहा है ASMR हॉस्पिटल डॉक्टर गेम्स, ठीक है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया अपने फ़ोन पर। तो इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ अभी इस ऐप को ये कैसा दिखता है। जब आप इस ऐप पे आओगे तो इस टाइप का आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आपको लेवल चूज करने, ये देखिए आपके सामने 4 लेवल्स यहाँ पे, आप इस ऐप का अगर यूज कर लेते हो उसके बाद सारे लेवल्स अगर खत्म हो जाते हैं तो आप दूसरा ऐप इंस्टॉल कर लो, फिर तीसरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे पहला जो लेवल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे इसके बाद आपको एड्स देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखिए मुझे लेवल सेलेक्ट करने बोला, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूँ, ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन जो आपको राइट साइड में टॉप पर दिख रहा होगा उस पर क्लिक करो और इस पर क्लिक करने के बाद म्यूजिक जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये म्यूजिक देखो, ये मतलब म्यूजिक मेरा ऑन हो गया और ये अभी म्यूजिक मेरा ऑफ हो गया, ठीक है। ये देखो ये म्यूजिक मेरा यहाँ पे ऑफ हो चुका है और ऊपर जो साउंड का बटन है उसको रहने दो, लेकिन म्यूजिक को बिल्कुल जीरो कर दो, क्योंकि ये जो ऐप है इन्होंने ये इनका ओरिजिनल म्यूजिक है, ठीक है, या फिर इनका कॉपीराइट है इस म्यूजिक के ऊपर, आप अगर यूज करोगे तो आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आ सकता है, इसीलिए म्यूजिक को यूज नहीं करने का बिल्कुल, ठीक है। बाकी मजे में बैठ जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो, अभी हम काम करने वाले कैसे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे अपना लेवल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए अभी देखिए ये गेम शुरू हो चुका है, यहाँ पे जैसे जैसे आपको बता रहा है इंस्ट्रक्शन वैसे वैसे कर लो। यहाँ पे ये देखो ये साफ करने वाला रुई यहाँ पे दिया हुआ कॉटन, इसको आप यहाँ पे टच करो अपने फिंगर से, ये मैंने टच कर लिया और इसको उठा लिया। अब इसको इसके होंठों पे रगड़ना है, ऐसे रगड़ना है कि मान लो ये 4 दिन से इन्होंने होंठ साफ नहीं किए, तो आप एक लड़की के होंठ साफ कर रहे हो यार, मजा है यार इसमें भी। चलो देखो ये देखो मैं साफ कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में ये जो आपका नीले रंग का ये जो बाल्टी है या पता नहीं क्या है, ये देखो ये ऊपर धीरे धीरे जा रहा है। जैसे जैसे लड़की के होंठ आप साफ कर लोगे, देखो आपको भी कितना एक्सपीरियंस हो रहा है लड़कियों के होंठ साफ करने में, जब आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, और अगर आप लड़की हो तो क्या ही बात, आप खुद के होंठ भी ऐसे साफ कर सकते हो। ये देखो
मैंने सारा होट इसका जो है साफ कर दिया और यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया अपना लेवल। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब मेरे पास नेक्स्ट टास्क आएगा, ये देखो नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये एक कटोरी है शीशे की, यहाँ पे शहद या पता नहीं क्या है, केमिकल है, इसको क्लिक करना है। ये देखो ये क्लिक किया और ये जो लिक्विड है इसके अंदर चला गया। इसके बाद क्या करना है, अब ये खुद ही आपको बताएगा क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये कटोरी में कुछ और आया, पता नहीं नींबू है या पता नहीं क्या है, तो इस पर क्लिक करो। ये देखो ये भी इसमें आ गया। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, अब देखो दूसरा सामान आएगा यहाँ पे। ये देखो अब शुगर आया, चीनी आया, चीनी भी इसमें मिला लो, ठीक है। ये आपके खाने पीने का सामान नहीं है, ये शायद दांत या होंठ साफ करने का सामान है, ठीक है। ये देखो चम्मच को यहाँ पे टच करो और इसके अंदर डाल दो। ये देखो चम्मच अंदर चला गया। अब चम्मच में जो चीनी उठ के आई है, ये देखो ये चीनी अमीरों वाली चीनी मुझे लग रही है, क्योंकि ये ब्राउन शुगर है, सफ़ेद रंग की तो नहीं है जो हम गरीब लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या करो, इसको यहाँ पे आपने डाल दिया। अब ये आपको मिक्स करना है शायद मेरे ख्याल से। ये देखो ये मिक्स करना है, ये आपको उस सफ़ेद रंग का चम्मच शायद है, ये इसको यहाँ पे टच करना है। और ये देखो मैंने मिक्स कर लिया, अरे वाह क्या बात है, मैं YouTube वीडियो छोड़ के अभी ये चीनी मिक्स कर रहा हूँ शहद में शायद। चलो ठीक है, तो ये मैंने कर लिया, ये लेवल जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो आप नेक्स्ट लेवल भी कर सकते हो। ये देखो नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, ये लोड हो रहा लेवल। और इसी तरीके से आप जो भी है, ये देखो ये लड़की फिर से अपने होंठ साफ करवाने आ गई। यार पैसे देके डॉक्टर के पास चले जाओ यार, एक यूट्यूबर से होंठ साफ करवा रहे हो तुम लोग। चलो ये देखो ये ऐसे ऐसे करके हम लोग इसके होंठ साफ कर लेंगे। और इसी तरीके से वीडियो को आप स्क्रीन रिकॉर्डर अपने फोन पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। और ये जो भी मैंने आपको दिखाया ये सारा मैं खुद भी अभी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप भी इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि इसको अभी एडिटिंग करनी है। तो मैंने इसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको एंड करता हूँ और सीधा चलते हैं काइन मास्टर बाबा की तरफ। ये देखो अभी मैंने काइन मास्टर पे 16:9 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे यूट्यूब का लॉन्ग लेंथ वीडियो बनाना है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ASMR वीडियोस की ये होती है कि यहाँ पे आपको चेहरा भी नहीं दिखाना होता है, आवाज़ भी वॉइस ओवर भी नहीं करनी होती, क्योंकि इसके अंदर खुद आवाज़ रहता है, ठीक है। तो आपको जो आपने वीडियो रिकॉर्ड की थी अभी अभी उस गेम से, तो वहाँ पे आपने साउंड इफेक्ट आपने सुना होगा, आपने ध्यान से अगर सुना होगा आप जाके देख सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो में साउंड इफेक्ट नहीं सुन पाए हो तो आप खुद जाके ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे देखना। जब भी कुछ आप टच करते हो या फिर चीनी अगर आप डालते हो कटोरी के अंदर, तो वो कुछ आवाज़ें आती है। अगर आवाज़ वहाँ पे क्लियर नहीं है तो आप अलग से कॉपीराइट फ्री साउंड्स यूज़ कर सकते हो एडिटिंग के टाइम पे, ठीक है। तो अभी मैंने रिकॉर्ड करके रखा है तो उसको मैं यूज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इमेज एसेट में जाऊँगा और यहाँ पे एक बैकग्राउंड कोई सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखो ये बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको कैंसिल करूँगा और यहाँ पे इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा लंबा कर लूँगा जहाँ तक मुझे वीडियो बनानी है। अभी तो मुझे पता नहीं कि वीडियो कितनी लंबी होगी, इसलिए अंदाजे से मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड स्ट्रेच कर लेता हूँ। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक जाना है और इस पे लेयर दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया दिख रहा होगा ऊपर आपको, मीडिया पे क्लिक करना है। और मीडिया पे क्लिक करने के बाद जो रिकॉर्ड आपने किया अभी अभी गेम का, उसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ये देखिए तो ये मैंने रिकॉर्डिंग ऐड कर ली। अब इस रिकॉर्डिंग को आप यहाँ पे देखिए, इसके साइज को आप खींच के पूरे स्क्रीन के बराबर लेके चले आइए। ये देखिए यहाँ तक ऐसा मुझे रखना है कि पूरा स्क्रीन कवर हो जाना चाहिए इस वीडियो से। ये देखिए थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं रहना चाहिए। ये देखिए तो ये स्क्रीन मेरा यहाँ तक कवर हो जा रहा है। ये देखिए मेरे भाई ये कवर हो गया। अभी कैसा ये वीडियो लग रहा है देखिए, ये शुरू का जो यहाँ पे आपको एड्स वगैरह दिखा रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग का ये पार्ट आपको हटा देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये देखिए यहाँ से लोड हो रहा है गेम। ये देखिए लोड हो रहा है, हो रहा है और इसके बाद यहाँ से मेरा जो असली खेल है वो शुरू होगा, मौत का खेल। तो चलिए ये देखिए यहाँ से एक्चुअली ये गेम शुरू हो रहा है। अरे भाई आ जा यार, कितनी लंबी मतलब यार इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रखी है इन्होंने। तो देखिए यहाँ से मेरा जो वीडियो है वो शुरू हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर जो आपको ट्रिम और स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे जाके मैं स्प्लिट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो दो भागों में ये बढ़ चुकी है, तो लेफ्ट वाला साइड तो इंट्रोडक्शन है, ये मुझे नहीं चाहिए, इस पर क्लिक करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए अब जो पार्ट बचा इसको खींच के मैं स्टार्टिंग की तरफ लेके आता हूँ। इस पर आप उंगली को रखिए और ये देखिए खींच के आप ले आइए स्टार्टिंग की तरफ इसको। ये देखिए यहाँ से ये शुरू हो रही है। ये देखिए मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ तक ये चल रहा है ये आप चलने दीजिए, और इसके बाद जहाँ पे मान लीजिए लेवल्स वगैरह ख़त्म हो रहे हैं तो वहाँ पे आप कट लगा दीजिए, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ तक मेरा चल रहा है और इसके बाद
यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। यहाँ पे देखिए ये मेरा ये जो आ रहा है ब्लू कलर का बॉक्स वगैरह, यहाँ से इससे पहले मुझे कट लगाना पड़ेगा। ये देखिए वीडियो पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर से ट्रिम और स्प्लिट करता हूँ। ये देखिए स्प्लिट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, अब देखिए ये जो पार्ट आ रहा है ब्लू कलर का, ये सब एड्स वगैरह चल रहे ये सब मैं यहाँ पे हटा दूंगा। अब देखिए यहाँ से मेरा दूसरा जो वीडियो का पार्ट है वो शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एक बार और स्प्लिट करूंगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया। अब बीच का जो पार्ट है ये मेरे काम का नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा और इस पार्ट को खींच के मैं क्या करूँगा, जो पहले वाला पार्ट था उसके जस्ट बाजू में लगा दूंगा। ये यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया। ये अब देखिए आपका जो वीडियो है कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ऐसे ही करके जितनी भी लेंथ आपको चाहिए, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जितनी भी चाहिए, रिकॉर्डिंग कर लेना उस हिसाब से और काइन मास्टर पे यहाँ पे आप एडिट वगैरह कर लेना। आप चाहो तो ये आपको इधर जो लोगोज वगैरह दिख रहे हैं थोड़ा सा और इसको जूम कर लोगे ना तो वो चीज़ें भी आपकी हट जाएगी। और काइन मास्टर का जो यहाँ पे लोगो आपको दिख रहा है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इसके ऑल्टरनेटिव जो ऐप्स है, VN ऐप, वीटा ऐप, पावर डायरेक्टर या बहुत सारे, आपका कैपकट हो गया, बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलता तो सीधा गूगल पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा वो ऐप, तो वो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो और उस पर आपको कोई वाटरमार्क या लोगो नहीं आएगा। तो चलिए ये हो गया, अब हम अपलोड करके देखते हैं टैग्स वगैरह कैसे इसके डाले जाते हैं, टाइटल और थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं। सीधा चलते हैं हम लोग अब स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम कोई कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने जो म्यूज़िक था उसको यूज़ नहीं किया लेकिन जो इस ऐप में साउंड था उसको यूज़ किया था। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर मुझे अब टाइटल डालना। टाइटल कैसे डालूंगा, मैं क्या करूंगा इस वेबसाइट पे जाऊंगा जिसका नाम है keywordtool.io। क्या नाम है फिर से देख लीजिए, keywordtool.io। यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, गूगल, यूट्यूब, बिंग, अमेजोन, ये सब चीज़, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम। तो आपको यूट्यूब सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है ASMR हॉस्पिटल और यहाँ पे जाके आपको वर्ल्ड वाइड कर देना है। यहाँ पे आप कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हो लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वर्ल्ड वाइड का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने से अगर लोग देखना चाहे तो मेरी वीडियो को देख सकते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सर्च बटन पे मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद मुझे इतने सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो यहाँ से मैं अच्छे खासे जो भी कीवर्ड्स मुझे लग रहे शुरू के टॉप 10 कीवर्ड्स में से चूज करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ये देखिए टाइटल में मैंने ये 2 कीवर्ड्स लगाए हुए। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में भी मैं 5-10 कीवर्ड्स डाल दूंगा और यहाँ से कुछ और कीवर्ड्स लेके मैं यहाँ पे टैग वाले सेक्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आपका टैग वाला सेक्शन है ना, ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स डाले हुए। अब थंबनेल की बात करते हैं, आपको सीधा गूगल पे सर्च करना, इमेज में जाके ASMR डॉक्टर हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल ASMR डॉक्टर ऐसा कुछ आपको लिखना है। यहाँ से आपको इस टाइप के थंबनेल लेने और यहाँ पे कॉपी करके आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो इसको और आपको canva.com पे जाना है और YouTube का थंबनेल वाला ऑप्शन जो यहाँ पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको आप क्लिक करो यहाँ पे और क्लिक करने के बाद ऐसा ही एक इमेज यहाँ से उठाओ और यहाँ पे डाल दो और थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने थंबनेल को। और यहाँ पे YouTube पे जाके ये थंबनेल का जो ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे, ये देखिए ऊपर में आपको मिलता है, फ़ोन से कर रहे हो तो थोड़ा सा अलग आपको दिखेगा, यहाँ पे आप अपलोड थंबनेल कर सकते हो। ये देखिए मैंने किया हुआ है। अब बात यहाँ पे कैटेगरी की अगर आती है तो ASMR की एक दिक्कत है कि आज तक ASMR की कोई कैटेगरी अभी तक क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ कैटेगरी नहीं अभी तक बना है जो हम कह सके कि ASMR एंटरटेनमेंट के अंदर आता है या आपका स्पोर्ट्स के अंदर आता है या फिर किसी और चीज़ के अंदर आता, टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो आपको क्या करना है, कैटेगरी के अंदर आके आपको एंटरटेनमेंट सिलेक्ट करना है या फिर आपको एडुकेशन सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे लगता है इन्हीं 2 कैटेगरी के अंदर ये वीडियोज आ सकती है। ये आपको एंटरटेन भी कर रही है, ये आपको एडुकेट भी कर रही है, तो मैं एंटरटेनमेंट सिलेक्ट करना ज़्यादा पसंद करूंगा। और एक चीज बहुत ध्यान देने लायक है, ये ऊपर आप जब जाइएगा यहाँ पे आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा कि ये मेड फॉर किड्स है या मेड फॉर किड्स नहीं है। तो यहाँ पे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स आपको करना है, क्योंकि मेड फॉर किड्स अगर आप करते हो तो इसका अगर मोनेटाइजेशन हो जाता है तो आपको पैसे कम मिलेंगे लेकिन व्यूज भी ज्यादा आते हैं इस पे, क्योंकि किड्स काफी ज्यादा ऐसी चीजें देखते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ये आपको सेलेक्ट करना। तो अब आप सब कुछ यहाँ पे कर चुके हो, टैग्स भी लगा चुके हो,
आपने थंबनेल भी लगा लिया, यहाँ पे आपने सेटिंग्स भी कर ली, अब आपकी वीडियो रेडी है। आप ऐसे ही 3 से 4 वीडियो एवरीडे डाल सकते हो, आप चाहो तो डेली 1 वीडियो भी डाल सकते हो, लेकिन आपको रेगुलर पोस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका चैनल वायरल हो सकता है और मोनेटाइज्ड भी 7 से 10 दिन के अंदर मेरे ख्याल से हो जाएगा। ये दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपको आपके चैनल पे नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं दोबारा आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज के लिए टाटा।